बोलिए लाडली लाल की। तो कृपा को रियलाइज करना सबसे बड़ी बात है, यही भगवान के महात्म ज्ञान का सेंस है। महात्म ज्ञान वो अकारण करुण है, बिना कारण के कृपा करते हैं। आग जल रही है, बिना कारण के वो टेम्परेचर दे रही है। आप 10 फुट के दूर पर बैठे हुए कांप रहे हैं ठंड में, आग कहती है आ जाओ ना मेरे पास, मैं कुछ पैसा नहीं लूंगी, आ जाओ तुम्हारी ठंड चली जाएगी भाई, नहीं तुम्हारे पास तो नहीं आएंगे, ठंड में छुटते रहेंगे तुम्हारे पास नहीं आएंगे। अनंत जीवों को हमने आत्मसमर्पण किया, मां को, बाप को, बेटे को, बीबी को, पति को, हर जन्म में किया, खाली महापुरुषों भगवान के शरणागत नहीं हुए। वहां प्रतिज्ञा किए हैं कि तुम दोनों की शरण में नहीं जाएंगे, बाकी गधों के पास जाने में हमें कोई लज्जा नहीं। इतना दुराग्रह है, अन्यथा क्या बात, क्या मानते हैं भगवान। तमेव शरणं गच्छ तत्प्रसादात् मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये तो सर्वाणि कर्माणि तो समुद्धरता संसार भव सागरात्। वो तो हर जगह प्रतिज्ञा कर रहे हैं, केवल हम उसको माने। तो नारद जी कहते हैं ये महात्म ज्ञान परमावश्यक है, और जब अवतार नहीं है तब तो बहुत ही आवश्यक है। इसलिए महात्म ज्ञान हो फिर भक्ति हो। देखो नंबर एक महात्म ज्ञान, नंबर दो भक्ति। कौन सा विश्व में ऐसा भक्ति कर सकता है कि भगवान को जाने ना, कोई महापुरुष बतावे ना, भक्ति करने लग जाए। उसे क्या मालूम है किसकी भक्ति करना है, क्या बलाय है भक्ति। तो महात्म ज्ञान हुआ नंबर एक, भक्ति नंबर दो। तब फिर भक्ति जब करने लगा तो जनयत्याश वैराग्यम ज्ञानं च यदहैतुकम्। फिर भक्ति से ज्ञान हुआ, और जो भक्ति से ज्ञान हुआ तो और भक्ति हुई, फिर और ज्ञान हुआ, फिर और भक्ति हुई। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते अंत में भक्ति ही रह जाएगी, परिपूर्ण अवस्था में ज्ञान का लय हो जाएगा। इसलिए कर्म योग ज्ञान सबसे श्रेष्ठ बताई गई भक्ति। तपस्विभ्योधुको योगी ज्ञानिभ्योपिमतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधुको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम्। कर्मियों से, तपस्वियों से, ज्ञानियों से, योगियों से सबसे श्रेष्ठतर है भक्ति। भक्ति के बिना कोई कर्म धर्म योग ज्ञान कुछ भी हो नमाम साधयति। परम ज्ञानी बन जाएगा उसकी पहचान क्या, उतनी तेज उच्च कोटि का भक्त होना चाहिए। अगर भक्ति नहीं करता है और कहता है मैं ज्ञानी हूं तो वो पागल खाने वाला ज्ञानी है, थ्योरेटिकल ज्ञानी है, ज्ञानाभिमानी है। ऐसे ज्ञानाभिमानियों के लिए तो ये निरविंदाक्ष विमुक्त मालिन, वो श्री कृष्ण भक्ति और श्री कृष्ण का सम्मान नहीं कर रहा है। इसलिए आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम, गिर जाता है। परत खगेशन ला गई बारा, आधार नहीं है बिचारे के पास, निराधार कोई भी नहीं रह सकता। तो कर्म का आधार भक्ति, ज्ञान का आधार भक्ति, योग का आधार भक्ति, क्योंकि माया निवृत्ति बिना भक्ति के हो ही नहीं सकती।
कोई भी हो,